नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ कंचन। अजयगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने अजयगढ़ जनपद अध्यक्ष का पदभार एक बार हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद एक बार पुनः ग्रहण किया। जनपद अध्यक्ष भरत मिलन पांडे को धारा 40 के तहत पन्ना कलेक्टर ने पूर्व में पद से हटा दिया था, जिसके बाद अजयगढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष को जनपद की कुर्सी से हाथ धोना पड़ गया था। हमेशा अपने तेज तर्रार स्वभाव को लेकर कांग्रेस समर्पित भरत मिलन पांडे ने पूर्व में भी सत्ता पक्ष और जिला प्रशासन पर षड्यंत्र के आरोप लगाए थे। वहीं आज कोर्ट के आदेश के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष भरत मिलन पांडे ने जनपद पंचायत का पदभार ग्रहण करते हुए एक बार फिर सत्ता पक्ष और जिला प्रशासन पर षड्यंत्र और अवैध रेत उत्खनन के आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अजयगढ़ क्षेत्र में जारी अवैध रेत उत्खनन को लेकर संसद और मंत्री के खिलाफ शिकायतें की थी। इसने मुझे षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा था। माननीय न्यायालय से मुझे न्याय मिला है, मेरी न्याय की जीत हुई है, मैं हमेशा जनता के लिए लड़ता रहूंगा। कांग्रेस समर्पित जनपद अध्यक्ष था और मैंने जो शासन के खिलाफ, सांसद मंत्री के खिलाफ और कलेक्टर के खिलाफ, मतलब मैं अवैध खनन का विरोध करके माननीय दिग्विजय सिंह से के माध्यम से लोगों को शिकायत की थी, जिस कारण पे शासन के दबाव में आकर कलेक्टर ने मुझे अवैध रूप से हटाया था, जिसकी मैंने इनकी अपील माननी उच्च न्यायालय जबलपुर में की थी। माननीय न्यायालय ने मुझे न्याय दिलाया है। मुझे आज उन्होंने जितने कलेक्टर के जो आदेश थे उन्हें सबको, मतलब माननीय न्यायालय ने स्थगित कर दिया है और न्याय दिया है। और मैं चाहता हूं कि अभी जितने दिन मैं यहां पर बैठा हूं, जनता की, गरीबों की सेवा करूंगा, गरीबों को दुख दर्द की लड़ाई लड़ूंगा, और जो न्याय होगा और जो नियम है नियम को धोके काम करवाऊंगा। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। सत्ता पक्ष के दबाव में अब जो अवैध अधिकारी और मंत्री सांसद करते हैं उनके विरोध करने में मुझे हटाया गया, लेकिन और क्योंकि जनता की आवाज़ यदि नहीं उठाता मैं, क्योंकि हमारे यहाँ के हजारों किसानों की भूमि को इन्होंने अवैध रूप से उत्खनन करवाया है, जिसकी शिकायत मैंने की थी, तो एक बार नहीं मुझे 10 बार भी हटाया जाए तो लेकिन जनता की आवाज़ दबने नहीं दूंगा, बार बार उठाऊंगा, अब बार बार करूंगा, जनता के हित की लड़ाई लड़ूंगा। यही मेरा कहना है।